हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इस वीडियो में ही इन प्रश्नों को याद करते चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी पाश्चर, ऑप्शन सी फंक, ऑप्शन डी लेनेक। तो दोस्तों, विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फंक। फंक ने विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। तो दोस्तों, निम्न में से विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी चावल। तो दोस्तों, निम्न में से गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गाजर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुफ्फुस में, ऑप्शन डी ब्रक में। तो दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरीबेरी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी पेलाग्रा। तो दोस्तों, विटामिन ई की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रतौंधी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी आम। तो दोस्तों, निम्न में से आम विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी आंवला। तो दोस्तों, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंवला। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जैलिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्कार्बिक अम्ल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो दोस्तों, निम्न विटामिनों में से विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सी। सील होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी पाइरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टोकोफेरॉल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन के। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दांतों में निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज। तो दोस्तों दांतों में कैल्शियम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न खनिज में से पोटेशियम आवश्यक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी सैम, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी गेहूं। तो दोस्तों निम्न में से शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शैवाल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। तो दोस्तों पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी दूध। तो दोस्तों मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पालक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी अंडे, ऑप्शन सी हरी सब्जियां, ऑप्शन डी दूध। तो दोस्तों हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरी सब्जियां। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जस्ता। तो दोस्तों निम्न में से लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गोल्डन चावल किसका पुरुषोत्तम स्रोत है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी बार रिपीट हो चुका है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों गोल्डन चावल विटामिन ए का पुरुषोत्तम स्रोत है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो दोस्तों निम्न में से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन डी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं।